हेलो गाइस, मैं विवेक कुमार फ्रॉम शांति विद्यापीठ। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्टैम्प पेपर के मार्जिन कैसे सेट किए जाते हैं और स्टैम्प पेपर के मार्जिन क्या क्या थे, तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसके मार्जिन कैसे सेट किए जाते हैं और प्रिंटआउट कैसे निकल रहे हैं। सो लेट्स गो। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने आपको फोटोकॉपी पे मार्जिन सेट करना बताया था, तो अब मैं आपको ओरिजिनल जो स्टैम्प पेपर होता है उस पर आपको मार्जिन से एक बार दोबारा से सेट करके बता रहा हूँ। इसमें टॉप का मार्जिन है 4.8, जो बेसिकली मार्जिन से आपके, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्जिन ले सकते हो 5 इंच का, ठीक है। वैसे ही आप लेफ़्ट से मार्जिन चेक कर सकते हो, इसमें 1.3 का मार्जिन है, तो आप इसमें नॉर्मली 1.5 का मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा ओरिजिनल स्टैम्प पेपर पे मार्जिन आपके चेंज हो गए हैं, तो जैसे अब मुझे उन मार्जिन के अकॉर्डिंग मैं आपको सेटिंग करके बताऊंगा कि कंप्यूटर में स्टैम्प पेपर के अकॉर्डिंग सेटिंग कैसे होती है। मैं लेआउट्स पे क्लिक करूंगा, लेआउट्स के बाद मार्जिनस पे, मार्जिनस के बाद कस्टम मार्जिनस पे, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास पेज सेटअप का डायगोनल बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा था कि टॉप का मार्जिन 5 इंच था एंड लेफ्ट का मार्जिन जो था वो 1.5 इंच था। और बॉटम और लेफ्ट से आप 1 इंच ले सकते हो, उसके बाद आपको इसे ओके करना है। ओके करने के बाद आप एक बार पेज पे आके देख सकते हो कि आपके मार्जिन्स कितने कितने, टॉप से कितना है और लेफ्ट से कितना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट प्रिंट की कमांड देनी होती है। प्रिंट की कमांड में आपको कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग्स करनी होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली बोथ साइड आता है, तो आपको यहाँ पे 1 साइड करना है और आपको यहाँ से प्रिंट की कमांड देनी। जैसे कि आपके पास प्रिंटर का डायगोनल बॉक्स ओपन हो गया है, आपको यहाँ से कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। आपको यहाँ पे 1 साइड करना है और आपको प्रिंट की कमांड देनी है। तो प्रिंट की कमांड देने से पहले आपको आपको एक फोटोस्टेट स्टैम्प पेपर दिखा रहा हूँ, जिस पे आपको कोई, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपका स्टैम्प पेपर ख़राब नहीं होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आपको स्टैम्प पेपर जो है ऊपर की तरफ इसको रखना है और जो आपका स्टैम्प पेपर जो है उसे आपको प्रिंटर के ऐसे अंदर पेज रखना है। नॉर्मली आपको प्रिंट की कमांड देनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आपका प्रिंट आउट निकल चुका है और आपकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो आपके एक स्टैम्प पेपर के अकॉर्डिंग सही हैं बिल्कुल। तो यही मैटर आपको मैं ओरिजिनल स्टैम्प पेपर पे निकाल के दिखा रहा हूँ, जिससे आपके कोई मिस्टेक ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको पेज कैसे रखना है प्रिंटर में। बेसिकली आपको प्रिंट की कमांड देनी है, यहाँ से आपको 1 साइड करना है और नॉर्मली आपको प्रिंट की कमांड देनी है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास ओरिजिनल स्टैम्प पेपर पे प्रिंट आउट निकल चुका है और अब हम इसे कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और आप इसे स्कैन करके भी अपने पास रखिए कि इन फ्यूचर आपके वो कभी भी किसी भी टाइम काम पे आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।